यही होगी और वो पैसे लेकर फिर उसके इर्द गिर्द बाढ़ लगा दिए। तार का हिसाब ये होगा, उसका मकसद क्या होता है ऐसे उसका मसला बता देगा, क्योंकि कवायद है ना उसको भैया। जैसे उसे पता है कि ये चौपड़ का सड़का है और ये दायरे का रकबा है, ये मुसलस का है, ये मुजीन का है, ये बड़बा का है। इस तरह मुफ्ती को पता है कि अगर इधर को बड़ा है अब यहाँ ये कायदा लगेगा, अब इसने मसला यू बोला है अब यह कायदा ये लगेगा। तो हिसाब के मुकबल होने का मतलब ये नहीं कि हर आदमी की जुजियात का वहां जिक्र है, नहीं, ये कायदे मुकबल है। इस तरह जो हम कहते हैं कि किताब और सुन्नत मुकबल है, तो इसका मतलब यह है कि उसमें कायदे ऐसे मौजूद हैं, हर कायदों का इस्तेमाल करने के लिए मुइत्तद की जरूरत है। हर चमार और कमार ये काम नहीं कर सकता, इसलिए मुइत्तद की हमें जरूरत पड़ती है और उन कायद से वो सारे जवाब निकाल लेता है। मिसालें कि सर्वनाम के कायदे बनाए गए, हिसाब के कायदे बनाए गए, वो कोई तहदीद थे। हम कहेंगे कि ये हिसाबदान है, ठीक है, हम कहेंगे ये फकीह है कि कायदे की समझ आ गई इसको, इसलिए कोई नया सवाल भी आ जाए तो ये निकाल लेगा उस कायदे से। तो खुद कायदे बनाने वाला मुइत्तद है, कायदे को समझ कर इस्तेमाल कर लेने वाला फकीह है, और जो इतना भी नहीं कह सकता हम जैसा वो मुकल्लिद है, खारिज मुकल्लिद। फकीह कायदों में मुकल्लिद है, हम कायदे जुजियात दोनों में मुकल्लिद है। अब ये एक चेट आई हुई कल आखिरी वक्त में कि आप सिर्फ जो है वो हरीफा की तहरीर नहीं करते, बल्कि बाद मिसाल में कि इमाम मोहम्मद इमाम यूसुफ या मुताखिर अहद आपके कॉल पर फतवा देते हैं, लिहाजा ये तकरीर शख्सी न रही। इस तरह मुइत्तद का क्या बयार है, बरा जवाब रैत फरमाए। मुइत्तद तो वही है ना, खुलासा तो यही कि जो कवायद वजा कर सके। हर किताब जो फिका की है उसमें किताबुल कजा में आपको मुइत्तद की तारीफ मिल जाएगी, क्योंकि वहां ये सब के काजी मुइत्तद भी हो सकता है या दूसरा बन सकता है, तो वहां इज्तिहाद की तारीफ वो लिखते हैं कि इज्तिहाद मुइत्तद किसको कहते हैं, और ये कि काजी जो है खुद मुइत्तद न हो तो मुइत्तद की तकरीर करके भी फैसले कर सकता है। ये मसला बन। अब ये दो बातें हैं, एक ये कि आप कहलाते हनफी है लेकिन कभी फतवा अभी यूसुफ के कॉल पर है, कभी मोहम्मद के कॉल पर है, तो आप अभी यूसुफी क्यों नहीं कहलाते हैं, मोहम्मदी तो आप नहीं कहलाते ना। वो मुझे गैर मुकद करने का भी हम मोहम्मदी है, फिर हम डबल मोहम्मदी है, क्योंकि हमारी सब जो फिका की हजूर से शुरू हुई ना और इमाम मोहम्मद पर आकर खत्म हुई, तो हम तो इधर भी मोहम्मद इधर भी, हम तो डबल मोहम्मदी है, हम तो कार्य बोल दियो, बल्कि वाली कहते हैं बहुत जुड़े नहीं करनी सरकारी। और दूसरा यह सवाल इसमें आया है कि कई मसलों में आप तो सबको छोड़ चुके हो, बुरी बाबू छोड़ चुके, ये तनख्वाह लेते हैं आप, इमाम साहब के यहां तनख्वाह ली, इमाम की याद नहीं है ना, तो देखो कहते हैं हनफी अपने पेट के लिए बुरी सबको छोड़ सकता, डबी गिर नहीं छोड़ता। अब ये दो इतराज स्टेट में आए हैं, इतराज समझ आ गए ना। ये कहते हैं कि इमाम अबू हनीफा और इमाम मोहम्मद ने इमाम साहब से इतराज किया, चिट वाला ये कहता है, वो कहते हैं हमने दे दिया। शामी में अबू दसल मुफ्ती ने भी कस्बे और भी इमाम अबू यूसुफ इमाम मोहम्मद जुफर और हसन चारों की, वो कसम खा के कह रहे हैं कि हमने इमाम अबू हनीफा से कोई इख्तलाफ नहीं किया। ये कहते इख्तलाफ किया, वो कहते नहीं किया। अब किसकी बात माने, ये कहते हम किताब दिखाते कहा अबू यूसुफ, अबू यूसुफ कहते मैंने इख्तलाफ नहीं किया, मोहम्मद कहते मैंने इख्तलाफ नहीं किया, तो फिर ये नजर क्यों आ रहा है कि इख्तलाफ है,
वो खुद बताते हैं कि जिस तरह कोई मुहदिश हदीस पढ़ाता है तो उसके अगर तीन चार मतलब निकल सकते तो सारे बयान कर देते हैं। हम ये चाहते थे कि उस्ताद की जबान से निकला हुआ कोई मतलब जाया न हो जाए, इसलिए अपने इमाम जिस कॉल पर खुद अमल करते थे उसको हम इमाम के नाम से नकल कर देते थे, बाकी इमाम ही के कॉल को अभी यूसुफ ने एक नकल कर लिया, कॉल इमाम का है, कॉल इमाम का ही है, फिर मोहम्मद ने नकल कर लिया। तो असल में अकवाल इमाम ही के थे, जैसे हदीस नबी की है लेकिन बुखारी के नकल करने से बुखारी की हदीस का दिया जाता है, तिर्मिज़ी के नकल करने से तिर्मिज़ी की हदीस क्या दिया जाता है। तो वो कहते हैं अकबार सारे इमाम के होते थे, इसलिए जिस पर इमाम फतवा देते थे उसको इमाम के नाम से नकल करते थे, और हमें चूंकि इमाम से इजाजत थी कि अगर मेरे दूसरे कॉल पर तुम्हें राजे नजर आए किसी वक्त तो तुम उस पर फतवा दे सकते हो। तो ये चूंकि इमाम की इजाजत से होता था इसलिए अगर अबू यूसुफ के कॉल पर फतवा हो गया है तो इजाजत इमाम से है, और इसमें ज्यादा बात वही है कि इख्तलाफ जमाना से बाद अहकाम बदल गए। इमाम साहब का जमाना तो सारा काल कलूम का जमाना है ना, और ये बाद में लोग हालात बदल गए कुछ। अब देखो इसकी एक दो मिसालें याद करता हूं ताकि बात समझ आ जाए। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि दबीज जो शरीर किस्म का है वो उसको हराम नहीं कहता, क्योंकि इससे बाद सहाबा को फासिक कहना लाजम आएगा। बुखारी भी में है कि अब आजम बार रही दबीज शरीर पीते थे, दशाई में बहुत सी बातें, और मुझे को कहे कि तू एक कतरा पी तो मैं एक कतरा भी इसका पीने को तैयार नहीं हूं, इसलिए इमाम साहब का फतवा इसके जवाब पर था। साहबैन के जमाने में खाल खून खत्म हो गया, उस जमाने में अगर कोई इमाम साहब के जमाने में पीता था तो सिर्फ ताकत हासिल करने के लिए एक दवाई के तौर पर और नशा से कम उसकी जवाब की गुजारिश थी, लेकिन साहबैन के जमाने में देखा कि खाल खून गुजर गया है, अब इन्होंने इसको मुश्क मशगरा बना लिया, सिर्फ हद के जवाब तक पता दे दिया, और वो भी इमाम ही कथा। तो ये जमाने के हालात बदलने की वजह से फतवा इमाम यूसुफ के कॉल पर हो गया, साहबान के कॉल पर हो गया। अब कितना अच्छा ये फतवा चढ़ा इमाम साहब के कॉल की होम्योपैथी जो है उसमें तो अल्कोहल शामिल होती है ना, होम्योपैथी इमाम अबू हनीफा के फतवे के बगैर चल सकती ही नहीं, सारी दुनिया को होम्योपैथी इलाज कर रही है ना, इसमें असल जो है तो अल्कोहल है, अल्कोहल जो है वो शराब के अरब को कहते हैं। तो अब देखिए अब सारी दुनिया गाय को कल्डर भी होगी वैसे दुकान खोली हुई है, स्टेज पर इतराज करते हैं कि इमाम अबू हनीफा का ये जो कॉल था ये गलत है, और देखते रोज दवाई देते होंगे क्या देखिए, हालांकि इमाम अबू हनीफा के फतवे के बगैर होम्योपैथी इलाज की किसी के यहां गुंजाइश नहीं है बिल्कुल। तो इसलिए साहबैन के अखबार जो है वो खुद इमाम ही के अखबार है, अगर हालात की वजह से उन्होंने ये फतवा दिया एक कॉल पर तो खुद इमाम की इजाजत से दिया, इमाम की उनको इजाजत थी, तो इसलिए ये कहना कि साहबैन के कॉल पर फतवा करे तो वो भी यूज भी कराओ नहीं, जो अगर बुखारी की हदीस है तो वो भी दबी की हदीस है, तिर्मिज़ी नकल किया है तो वो भी दबी की हदीस नकल ही है, इस तरह ये जिस तरह इनकी नस्बत ऐसी है जैसे हदीस में बुखारी की तरफ मुस्लिम की तरफ तिर्मिज़ी की तरफ, तो जैसे हदीस असल में दबी किया है लेकिन ये नस्बत अलग है, इस तरह कौन सारे इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के हैं, और इनकी तरफ नस्बत जो है वो सिर्फ उसके रवायत की है या फतवा देने की, और फतवा देने की भी चूंकि ये भेज सकते खुद इसलिए इनको इमाम की तरफ से इजाजत थी कि हालात के बदलने की वजह से अगर दूसरे मेरे कॉल पर फतवे की गुजारिश हो तो तुम दे सकते हो। तो इमाम की इजाजत से क्योंकि सब कुछ हुआ इसलिए ये सब कुछ इमाम ही का मतलब कहलाएगा, ये अबू यूसुफ का मतलब नहीं कहलाएगा, इसलिए कोई अपने आप को अबू यूसुफ नहीं कहता, कोई अपने आप को जुबरी या हसरी नहीं कहता, सब के सब हनफी कहते हैं।
ये तो था शाहगैर वाला मसला, कुछ समझ में आएगी बात। अब रह गया ये जो उस्मानी वगैरह शोर मचा रहे हैं कि अबू हनीफा कहते हैं कि तनख्वाह मेरी जायज नहीं, या जायजा मफूद खबर ने आपने इमाम मालिक के कॉल पर फतवा दे दिया, या शहादत के बारे में आजकल चारों को छोड़कर काजी ने अभी दादा पर फतवा दिया जा रहा है। तो जब तुमने अबू हनीफा का कॉल छोड़ दिया अब तुम हनफी कैसे रहे? इतराज तो जबरदस्त है उनका, लेकिन जहालत का इतराज है, कोई इतराज नहीं है। ये मैंने बताया कि असल फिका कायदों का नाम होता है, जुजियात का नाम नहीं होता। इसलिए इन जमानों के एतबार से हमारे कायदे ये बताते हैं कि अगर आज अबू हनीफा होते तो फतवा इन कायदों के मुताबिक इस मदरे पर देते। देखो बिल्कुल आम का मिसाल देता है जिसको आप समझ जाएंगे। एक है कौले सूरी काला अबू हनीफा, सूर पर लिखा हुआ है। एक है कौले जरूरी काला अबू हनीफा नहीं, लेकिन इमाम के कायदे से एक मसला निकल रहा है तो वो भी कौल इमाम का समझा जाएगा ना। अब एक आदमी आप उस्ताद आपको कहता है कि भाई जैद वाजिबुल एहतराम है, बहुत नेक आदमी है, जैद का नाम लेकर उसने आपको कहा है। दूसरा कायदा बताया है कि बिनती की ताजीम नहीं करनी चाहिए। दोनों बातें समझ आई? वो साथ साथ फौत हो गए। अब वही जाद बेटी हो गया, वही जाद। अब एक आपके पास कौल सूरी है जो उस्ताद का कौल है कि जैद वाजिब एहतराम है, एक उनका कायदा है कि बेटी का एहतराम। अब आप उसका एहतराम करेंगे या नहीं करेंगे? नहीं करेंगे तो आपको उस्ताद का मुनकर करेगा, वो कहेगा देखो साहब ने कहा था कि जैद का एहतराम करो। आप करेंगे कि जो कायदा इमाम हमें दे गए हैं ना उस कायदे के मुताबिक हम इसका एहतराम नहीं करेंगे। तो कोई ये नहीं कहेगा कि आपने उस्ताद को छोड़ दिया। तो मिसाल समझ में आई है या नहीं? तो जिन फतवे जिस जगह पर मुफ्ती साहबान ने फतवा दिया है ऐसा, वो लिखते ही वहां यही है कि इमाम के कायदे बता रहे हैं कि इन हालात में कायदा इमाम साहब फतवा इस पर देते। अब इसको दो मिसालों से भी समझिए। अम्मा आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती है कि जिस तरह अब औरतें बन समर कर मस्जिद में आने लगी है, अगर अल्लाह के नबी ने इनको साथ में देते तो रोक देते। हालांकि मस्जिद में आने की निषेध बिल्कुल सही है, हजरत आयशा रोक रही है, इब्ने मसूद रोक रहे हैं, हजरत उमर रोक रहे हैं। अपनी बीवी से कहा कि बस मेरे जाया करो, खासतौर पर ईशा की नमाज में। बीवी ने कहा कि मुझे हजूर का भी रोका, अगर मैं शरीर रोका आप भी रोक रहे हैं। अब हजरत उमर हजूर पाक का नाम सुनकर वो खामोश होगा, क्या कहते? दो चार दिन गुजरे तो रास्ते में बैठ गए। अब वो दीवार पर क्या रही है, अंधेरा था, चादर पड़कर दो चार पर खेच जा, बस वो आ गई। अब देख रहे हैं कि बस से नहीं जा रही है। इधर कहा कि मैंने तुझे कहा था बस से नहीं जाकर, तू रोकी नहीं थी, अब क्यों बस से नहीं जाती? शेखा जी अब जमाना नहीं रहा बस से नहीं जाने का। देखो तो यही बात जो को कहा कहते हैं, ये अगर तुम्हें कहना चाहते थे कि अब वो जमाना, तो देखो ना अब उस औरत को भी समझ आ गई कि जमाना नहीं रहा। अब अम्मा जी देखो ये नहीं कह रही, कोई ये नहीं कहेगा कि अम्मा जी नबी के खिलाफ है और इस मसले में हम आयश भी है जब मोहम्मदी नहीं है, बल्कि अम्मा जी हजरत उमर अब्दुल्ला बिन मसूद ये मिजाज शनास रसूल है, ये मिजाज शनास रसूल है। इसलिए हम यही वो यही कह रही है अम्मा जी कि हजरत अगर इन हालात को देखते तो हजरत के कवाल से पता चलता है कि हजरत इनको बिना फरमा देते। तो जो कुछ अम्मा जी फरमा रही है वही हमारे मुफ्ती कह रहे हैं कि इमाम अबू हनीफा के कवायद ऐसे हैं कि आज इन हालात को देखते तो वो तनख्वाह का फतवा देते, वो ज्यादा बफर खबर भी चार साल वाला फतवा इमाम मालिक वाला दे देते। तो देखो इसमें हम हरफियत से बाहर नहीं निकले,
क्योंकि इवान के कायदे ही हमें इजाजत दी है इस मसले की। हमने अपनी तरफ से ये गलत बात है कि हम पेट के लिए करते हैं। अब यही बात है तो इमाम साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह कि अकवाल के कौले सूरी के साथ खिलाफ हुआ काला वो नहीं पके, लेकिन जो कौले जरूरी है इमाम साहब का कवायद से दिक्कत है उसके खिलाफ बल्कि उनके मुताबिक हमने कर दिए। अब ये दोनों बातों का जवाब समझ आ गया ना, ये गैर मुकदों के बड़े इतराजात हैं और सभी जो है कि भाई हमने बड़ा तीर मार लिया है, हालांकि दोनों में जहालत है और कुछ भी नहीं। पहले सारे अखबार इमाम साहब के हैं रहमतुल्लाह ताला लेके और इमाम साहब से उनको तरजीह की इजाजत भी है, और दूसरा जो है ये जो मैंने कॉलेज सूरी और कॉलेज जूरी का लफ्ज इस्तेमाल किया, ये दोनों लफ्ज लिख लेंगे ना कि जैद काबिल एहतराम है, विद भी काबिल एहतराम नहीं, देखो कितनी आम तक मिसाल दी है जो आप बच्चे को भी समझा सकते हैं। इसका मतलब रुको पर चल रहे हैं आज। मोहम्मद जायद बरसूर का कश्मीर से बयान आया है, पांच के खिलाफ भी किया, कौन सी जिल्द में लिखा है, शामी की पहली जिल्द में जहां रस्मुल मुफ्ती चल रही है ना, किताब तहारत से जहां शुरू होती है शामी में, उससे दो तीन सफे पीछे, और रकूद रस्मुल मुफ्ती में दरमियान में तकरीबन सफा जी, वो उस पर तफसील से यह लिखा है। अच्छा, तलबा में गैर मुकल्लद ज्यादा होते हैं, दूसरे मुकल्लद कम ही होते हैं, क्योंकि रुक के गैर मुकल्लद बनकर ये लिखते हैं। ये है कि उस्ताद मुस्तफ हकीकत फिका भी है कि इमाम अबू हनीफा ने फरमाया कि मेरी तकलीद न करना न मालिक की न किसी और की। तो जब इमाम अबू हनीफा ने फरमाया कि तकलीद न करना, फिर भी तुम तकलीद करते हो, बड़ी अजीब बात है। जहालत जो है ये गैर मुकल्लदियत का दूसरा नाम है। मैंने मसला क्या लिखाया था, मसाइल इत्तेहादिया में मुल्तज़िम पर इज्तिहाद वाजिब है, गैर मुल्तज़िम पर तकलीद वाजिब है और गैर मुकल्लद पर ताज़ीर वाजिब है। बोलते तो माशाल्लाह अच्छे लेकिन लगाएंगे नहीं आप उनको ताज़ीर। अब इमाम हमारे यहां भी मुल्तज़िम पर इज्तिहाद वाजिब है, तकलीद बना है। इमाम साहब ने ये उन शागिर्दों को फरमाया जो मुल्तज़िम थे, फरमाया कि खुजला काम बिन है सो अखजना, वहां से आकाम लो जहां से खुद लिए। तो अखजे आकाम जो है ये मुल्तज़िम का काम है ना, तो जो अहलियत रखता है इतिहास की हम खुद कहते उस पर तकलीद वाजिब नहीं है, तो हमने इमाम का ये कॉल माना। अब ये कि जो इतिहास की अहलियत नहीं रखता उसको कहीं इमाम ने बना किया है। इस पर एक बात और याद आई, इनामुल मुकरीन जो है किताब इब्न कय्यिम की, इसके नाम में इख्तलाफ है, तो इसको इनामुल मुकरीन पढ़ता है, कोई इनामुल मुवक्किल पढ़ता है, क्योंकि अगर मुवक्किल हो तो तौकीर से यह बनी है तौकीर इब्न दस्तखत। जिन लोगों ने इब्न तैमिया की सजा के लिए दस्तखत किए थे उनके खिलाफ ये किताब लिख रहे इब्न कय्यिम ने इब्न तैमिया के अपने उस्ताद की हिमायत में। तो अगर तौकीर से लिया जाए तो फिर तो इसका नाम है इलामुल मुवक्किल, कि जो दस्तखत करके मेरे उस्ताद की पिटाई करवाई है उनके खिलाफ में किताब लिख रहा हूं, उनको बता रहा हूं कि इब्न तैमिया जो है वो बुधवार फिर बदल था। और अगर यह औका योग के ये कारण होता है किसी के बुराई बयान करना, किसी के इज्जत में हाथ डालना, तो अगर इलामुल मुवक्किल है फिर यह कि जो जिन लोगों ने मेरे उस्ताद की इज्जत में हाथ डाला है मैं उनको खबरदार करना चाहता हूं। एक इसका नामबाजी इलामुल मुवक्किल भी लिखा है कि जो अब इब्न तैमिया के मुआफिक है उनको बताना चाहता हूं कि इब्न तैमिया का मसला सही था। वहां इमाम अहमद का कॉल लिखा है, क्योंकि ये कॉल इमाम अहमद से भी है ना, तकलीद न करो, चारों इमामों से है ना। अब किन को वो कहते तकलीद न करो, इमाम अहमद बैठे हैं, उनका बेटा अब्दुल्ला बैठा है, वो कहता है कि किसी ने पूछा कि एक आदमी को एक लाख हदीस याद है, कितनी वो फतवा दे सकता है, पर मैं नहीं, कि दो लाख याद हो पर मैं नहीं, कि तीन लाख याद हो पर मैं नहीं, कि चार लाख याद हो पर मैं नहीं, कि जी पांच लाख याद हो
फरमाया कि उम्मीद है कि फतवा दे सके। अब देखो ना, उड़ के यहां गोचित वो है जो 5 लाख हदीस का आवे, उसको तो कहते हैं फतवा दे, और जो 4 लाख वाला भी है वो भी तकरीर करे गुरु से मुझे फतवा दे, तो फतवा नहीं दे सकता। अब ये बात शाह वली रबी इब्दुलजीद में लिखी है, यही कौन अब्रहम से लाए तारा लेता। तो मकसद वही है कि आइमा ने जिनको मना किया है तकलीर से, वो बुरी तहदीन को मना किया है, और जिनको इजाजत दी है, अब चारों इमामों की फिका की बतूर मौजूद है ना, उसके साथ आया था इस मसले के लिखी हुई है, फिका के जो मसले आवाम के लिए जमा कराया चारों इमामों ने, उसके साथ कोई दलील नकल की है? ये किस लिए लिखवाए थे कि लोग इन पर अमल करें। तो ये लाखों मसाइल जो है आइमा के, इनको बिला जिक्र दलील जमा करवाया, बिला जिक्र दलील, ताकि बिला मुतालबा दलील इन मसाइल पर अमल लोग करें आवाम। तो ये दाव की तकलीर है या नहीं? तो ये इसका मतलब कि आइमा से दावत तकलीद तवातर के साथ साबित है। ये बात समझ आई? ये जो हजारों लाखों अकवाल आइमा के मौजूद हैं जो जमा करवाए ताकि लोग इन पर अमल करें, तो हर कौल के साथ आयत और हदीस नकल किए दलील देखिए ना। अब लोग इस पर अमल, लोगों का अमल करो बिना मुतालबा दलील, इसी का नाम तकलीद होता है ना। तो गोया चारों इमामों से तवातर से साबित है कि गैर मुल्की तकलीद करे। फिर किफाया किताब शौम, किफाया जो हिदायत इशरा है, किताब शौम में यह मसला है कि अब इमाम अबू यूसुफ इमाम मोहम्मद रबू हनीफा से है कि आमी पर तकलीद वाजिब है, आमी पर तकलीद। तो यही हम कहते हैं, मुल्की पर हराम है, आमी पर वाजिब है। तो देखो, हमने इमाम के दोनों कॉलों को माना। अब आजकल के हिसाब से इसकी मिसाल आप हम समझे। एक डॉक्टर साहब है, वो मेडिकल कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, किनको जिनको डॉक्टर बना रहे हैं, जिनको उनको वो बार बार कहते हैं कि भाई जहां से समझ लिया फिर पूछो, क्योंकि उनको डॉक्टर बनाना है ना। उनको खुद कहते हैं कि बिल्कुल आज गाफिल ना होकर बैठे, पूछो जो बात समझ रही है पूछो, कोई नहीं पूछता उसको बार बार कहते पूछो, कहते ही नहीं कहते। वही डॉक्टर छुट्टी के बाद आकर अपने ग्रेडों पर बैठ जाता है। वहां वो शागिर्द थे जिनको डॉक्टरी का कोर्स करा रहा था, अब मरीज बैठा है सामने, वो कहता जी ये आपने 2 गोलियां दी है और ये 1 दिन 3 दिन के बाद ये 2 रोज, ये क्यों जी, समझाओ मुझे। इसे डॉक्टर नहीं समझाएगा कि भाई दवाई ले रही है क्या, मेरा दिमाग में जाकर होगा चला जाएगा, क्योंकि ये अमी आदमी है ना, इसको डॉक्टर बनाने को नहीं, तो मैं इसको समझ आएगी, वो विवाद याद से ही वापर रही है। तो जो उस डॉक्टर का तरीका वहां और है जिनको डॉक्टरी का कोर्स करा रहा है, और यहां और है जो अमी आदमी है। तो ये तो हर फन में होता है, हर फन का इमाम जिसको फन सिखा रहा है। अब देखिए, आप तो सर्वनाथ उस्ताद पढ़ा रहे थे, कबरीनाथ पढ़ाते हैं ना कितनी ज्यादा, और आपको नहीं आता पूछते, लेकिन जो कुछ भी नहीं जानता उसको आप जबर जैर लगा दे 2-1 सदर पर, वो कहेगा जबर क्यों है, कि फिर तुझे क्या पता क्यों है, तू पढ़ रहा बस यही कहोगे ना। तो देखो, ये बात बिल्कुल वाजे है, लेकिन गैर मुकल्लदों को की अकल जो है वो भारी हुई है। इमाम का वो कौल आवाम पर लगाते हैं जो बुरी तहदीर के बारे में है, इसी कहते हैं युहर रफून अल काल इमाम गवाज है। यहूदियों की तरह बात किसी मौके की लगा किसी मौके पर देते हैं, इसलिए तो मैं लिखाता हूं कि मसायले इतिहादिया में बुरी चेत पर इतिहाद वाजिब है, इसलिए शागिर्द जो बुरी चेत उनको कार्य के करो इतिहाद है, जिस तरह से कर सकते हैं, और गैर बुरी चेत पर तकलीद वाजिब है। किसी इमाम ने गैर मुइत्तहिद को तकलीद से रोका हो, आमी का लफ्ज हो, ऐड अलफ बीब, ये 4 अलफ है ना, अब 4 लाख रुपए इनाम देंगे कोई ले आए गैर मुकल्लद, लेकिन धोखे के सिवा गैर मुकल्लदों के पहले कोई चीज नहीं है।
हम आम ही पर तकलीफ वाजिब करते हैं ना, ये आम ही का दिखा दे वो बेहतर के लिए, क्योंकि साफ आगे खरीदे मौजूद है खजूर मिल है सो खजर, वहां से आकाम लो जहां से हम दे। अब अखजे आकाम जो है ये बेहतर करता है, हर शख्स नहीं कर सकता। तो बेहतर वाले कॉल को आवाम पर सुनाना, ये बात एक धोखा है, फरेब है। आज मैंने आवाम को तकलीर से कभी मना नहीं किया, बल्कि आवाम के लिए जो मसाइल जमा कराए वो बगैर जिक्र दलील के कराए। इसलिए ये भी याद रखे, एक झूठ ये भी बोला करते हैं कि तकलीर चौथी सदी में शुरू हुई, बिल्कुल हदीस लोग हैं। तकलीर तो हजरत के जमाने में ही यमन में तकलीर चलती अतरी हजरत महाजरत की तरह, हजरत की हजार में होते रही या नहीं होते रही। फिर आप मुसन्निफ इब्न अबी शैबा, मुसन्निफ अब्दुर रज़ाक, किताब अल-आसार इमाम मोहम्मद उठाकर देखे, किताब अल-आसार अबी यूसुफ, इसमें हजार हा फतावा है साहबा और ताबईन के, लेकिन किसी फतवे के साथ बतौर दलील कोई आयत या हदीस लिखी ही। अब ना फतवा देने वालों ने दलील लिखी है, ना फतवा पूछने वालों ने दलील मांगी है। तो ये हजार हा अकवाल दलील है कि उस जमाने में तकलीर तवातर के साथ चली आ रही थी। नहीं बात समझ आ रही, वो सारे अकवाल बिना जिक्र दलील है ना। इसमें इब्न हजम बड़ा परेशान है बेचारा कि अब अगर ये मान लिया जाए कि ये सहाबा के और ताबेर के इतिहादी फतवे हैं तो तकलीर तवातर से साबित हो जाएगी, क्योंकि हजार हा फतवे हैं ना। इसलिए उसने बहाना क्या बनाया है कि ये जो फतवे हैं ये दरअसल मरफू हदीसें थी, सिर्फ इख्तिसार के लिए हजूर पाक का नाम नहीं लिया। इसलिए सहाबी का हर फतवा मरफू हदीस है, ताबी का हर फतवा मरफू हदीस है। एक गैर मुगल ने बड़े फख्र से ये कौन उसका मेरे सामने पेश किया, मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, तीन धर्म का अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। इमाम अबू हनीफा ताबी है और फिका हनफी का हर कौल मरफू हदीस बन गया है, क्योंकि ताबी है ना। और इब्ने हजम ने जांच छुड़ाने के लिए कहा कि ये सारे मरफू हदीस है, मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, तीन लाख मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अब फिका हनफी का हर हर मसला मरफू हदीस है, नबी की हदीस है। इस पर बड़ा जर बटाया बेचारा, कहता एक तरफ से जांच छुड़ाते दूसरी तरफ से पकड़ लेता है आगे। बस मतलब यह है ना कि एक आदमी झूठ बोले तो सौ झूठ साथ बोलना पड़ता है, साथ में बरकत होती है। ये धोखेबाजी इन लोगों में है और बेचारों के पास कोई चीज नहीं है। तो अब ये जो ये तकलीर से आईमा ने मना किया, ये बात समझ आई, जिनको आईमा ने मना किया उनको हम भी मना करते हैं बुई तहदीर को, और जिन पर आईमा ने वाजिब करार दी उन पर हम भी वाजिब करार देते हैं। हम इमाम की बात मानते हैं, इसमें हमें जरा शुबा नहीं है। बाकी कहते हैं खाना खा रहा, चार मसाले क्यों कायम हुए थे। तो ये तशरीह बतानी तकवीदी है, ये चार मसाले जो है ये छठी सदी से लेकर कायम हुए हैं, आठवीं सदी से, आठवीं से, और तकरीबन 400 साल रहे। इन मसलों का एक बहुत बड़ा फायदा था कि दुनिया में कोई नया फिरका नहीं बना। जिस मुल्क में कोई नया मसला छेड़ता वो पूछते कि तुम्हारा खाने का यह मसाला है, अगर तो वहां है तो हनफी है तो हनफी फिका से दिखा ये मसला है, वहां नहीं है तो गलत है मसला, अगर शाफी है तो शाफी पे वो दिखा है वहां, क्योंकि वहां ये तईब थी कि सुनियों के मजहब है ही चार। इसलिए ये पूछते थे कहीं भी कोई इंडिया फितना उठे वो फौरन पूछते कि भाई आप कौन है, आपका मसाला कौन सा है, खाने का भी उस मजहब की किताब में दिखा मसला है तो ठीक है वरना मसला गलत है। देखो कितना बड़ा फायदा था, जब तक ये मसले चार रहे हैं कोई नया फिरका तारीख में नहीं बदल दिया गया। उन्हें पता था कि निजात पाने वाली चार जमातें अरबी जावी मालवी अमरी इसी में शामिल किया जाता था।
जो ये आए कि जी आप एक क्यों हो गया, तो ये भी कोई शरी मसला नहीं। बात सिर्फ इतनी थी कि पहले हुकूमत हर्फियों की थी, अब्बासी खिलाफत जब तक रही काजी हर्फी रहे, फिर 200 साल खवारज भी रहे सब हर्फी थे, सलजोकी रहे सब हर्फी थे, फिर उस्मानी खिलाफत थी सारे हर्फी थे, अब ये हमली आए हैं। तो हर्फी सबसे ज्यादा है ना दुनिया में, ये बड़े भाई हैं, तो बड़ों का हौसला भी बड़ा होता है, छोटे भाइयों के साथ मिला लेते हैं कि आ जाओ तो भी आ जाओ। तो चूंकि पहले हुकूमत बड़े भाइयों के पास थी, इसलिए छोटे तीनों को भी साथ रखा, मैं तुम भी आ जाओ, छोटों का हौसला छोटा होता है देखा, क्योंकि छोटे को हर वक्त यही डर होता है कि बड़ा कहीं मुझे निकल ले जाए, इसलिए जब से ये छोटे भाई आ गए ना तो इन्होंने अपना मसला रहने दिया, बाकी तीन खत्म कर दिया, मेरे भी है, क्योंकि इन्हें हर वक्त डर है कि कहीं ये एक भी हमसे छेद न जाए। लेकिन मैं तो वाजे तौर पर कहा करता हूं कि खुदा करे आप भी हल्के की हुकूमत आ जाए, इंशाल्लाह चारों मसाले बच जाएंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। तो ये चार मसाले जो है ये इसीलिए थे ताकि पता चले कि अहले सुन्नत वल जमात के चार ही मजहब हैं, पांचवा कोई मजहब अहले सुन्नत वल जमात का नहीं है। अभी एक सच्चाई है कि जब तकरीर कर दिए तो चारों ही की क्यों करते हैं, बाकी कोई पीछे नहीं हुआ, तो ये भी तशरीह मसला नहीं तकवीदी है, अल्लाह की तकवीद है। एक आदमी को अल्लाह ने 12 बेटे दिए, कितने बेटे दिए, 8 बाप की जिंदगी में फौत हो गए और 4 को छोड़कर बाप फौत हो गया, बात समझ आ रही है। अब बाप की विरासत 4 में तकसीम होगी या 12 में, वो जो 8 है वो बाप ने मारे हैं भाइयों ने मारे हैं जी, इन 4 को जो जिंदा रखा है तो बाप ने जिंदा रखा है, तो ये अल्लाह की तकवीर है। हम मानते हैं कि मुजतहदीन सैकड़ों थे, लेकिन उनको ऐसे शागिर्द नहीं मिले जो उनके मजाक को आगे चला देते, वो मजहब बेटे चले गए। इन 4 को अल्लाह ने ऐसे शागिर्द अता फरमा दिए कि इनका मजहब आगे चल गया। अब जो अल्लाह की तकवीर से बिट चुके और मर चुके हैं उनको तुम जिंदा कैसे करोगे, जो मर चुके हैं वहां बातम करने की जरूरत नहीं, हमें जो जिंदा है उनसे फायदा उठाओ। तो चूंकि 4 ही मजहब मुकम्मल हैं, मुकम्मल मसायल, उनके असूल भी मौजूद हैं, उनके फरू भी मौजूद हैं और वो मुतवातर भी है, 3 लफ्ज याद रख रहे, असूल मौजूद, फरू मुतवातर, फरू भी मौजूद मुकम्मल और मसालिक मुतवातर। अब कोई मजहब जो ये 4 के अलावा है, अगर किसी का कॉल मिलता भी है तो खबर वाहिद, जिसमें संघ की जरूरत होती है, फिर संघ के रावियों की तहकीक करनी ये आवाम के बस की बात है, इसलिए आवाम को यही हुक्म है मुतवातर कुरान पढ़ो, शाद गिराते न पढ़ो, मुतवातर। अब जहां ये 4 मुतवातर होंगे, कोई ऐसी जगह हो वहां 4 में से जिसको आप चाहें इख्तियार कर दें, और जहां यहां मुतवातर ही एक है, श्रीलंका भी मुतवातर ही एक है, मतलब शादी यहां एक मजहब भी, तो यहां तो दूसरी तरफ जाने की जरूरत ही नहीं ना। अब ये कभी कहते जी इमामों के नाम दिखाओ, ये धोखा है, फरेब है, वे कहते हैं कि फिका का दर्जा तीसरा है ना, पहला दर्जा कुरान का है, पहले कुरान के साधकारियों के नाम कुरान से दिखाओ भाई, फिर सियासता वालों के नाम दिखाओ, हदीस का दूसरा नंबर है ना, तो फिर उसके बाद हमसे फिका के इमामों के नाम भी देख लेना। इनका एक आदमी है वो वहां से रुक के लिखता रहता है, स्कूलों में मदरसों में कहा था, मैं फारूक किया गया तो मौलाना शरीफुल्लाह खान साहब ने फरमाया कि एक खाते कई दफा भेजे हुए आ जाता वो, जो हम तो सुझाव नहीं देते, वो लिखता है कि मैं हदीफी हूं, हमारे इर्द गिर्द अहल हदीसों की दुकानें हैं,
हमने उनसे वादा किया है कि हम वो हदीस दिखाएंगे जिसमें हजरत ने फरमाया कि इमाम अबू हनीफा की तकरीर करो। वो मुझे खत दिखाया, मैंने कहा यह जो जामिया मौलविया गुजरा वाला गैर मुकदों का है उसका शेख अल हदीस अब्दुल बुरहान उसका ये बाप है, चिराग भी उसका नाम है। मेरे कहा यह बेईमान खुद गैर मुकलद है। मेरे कहा उसे लिख दे कि ये खत अमीर को भेजो। वाला ने लिख दिया ऊपर, उसने मौलाना के जवाब की फोर्सेट भी मेरे पास भेजी कि मेरे फारूफिया कराची खत लिखा था, मौलाना शरीफुल्लाह खान साहब ने लिखा कि अमीर को भेजो, तो मेरे पास आ गया। अब मैंने लिखा कि देखिए कोई भी जो बात है उसकी दलील के दो हिस्से होते हैं, चार दिन पर पांच नमाजे फर्ज हैं, कुरान में चार दिन का नाम नहीं, कुरान में यह मिलेगा किताब के मुसलमान पर पांच नमाजे, चिराग दीन का नाम नहीं, चिराग दीन का अगर मुसलमान है तो वह हमारे मुशाहदे से पता चलेगा। यदि नमाज फर्ज है ना, अब नमाज का फर्ज होना यह तशरीह मसला है, चिराग दीन पर फर्ज है यह तकवीनी मसला है कि चिराग दीन मुसलमान है या नहीं, मुसलमान तो हम कहीं के फर्ज है। अब हुक्म है कि बीमार इलाज करवाए है या नहीं, तो कहे कि डॉक्टर का नाम भी हदीस में हो फिर आज कराऊंगा वरना नहीं कराऊंगा। यह कि कुरान पढ़ो, अब यह कि कारी का नाम भी कुरान में हो कि फुला कारी से कुरान पढ़ो तो फिर मैं पढ़ूंगा वरना। मैंने लिखा कि निकाह के वक्त नहीं पूछा कि मेरी बीवी का नाम खदीजा है तो यह हदीस में होगा कि खदीजा जलालुद्दीन से निकाह करे तो करूंगा वरना। वहां तो यही है कि निकाह का मसला मिल गया, अब जिसमें निकाह की अहलियत है उससे निकाह हो जाएगा, शरी हुक्म पूरा हो जाएगा। इसी तरह तकवीदी हुक्म है फस अलवाहल जिक्र तशरी हुक्म फस अलवाहल जिक्र ईद को तुम ला थालाबूत, और आईमा अरबा का अहल जिक्र में से होना ये जमाए उम्मत से साबित है। इसलिए जिस मुल्क में जिस अहल जिक्र का मजहब मतवातर होगा उस पर अमल करने से ही शायद पर अमल हो जाएगा। और यही मैंने लिखा कि आप अपनी बीवी का नाम भी रिश्तेदार चिराग दीन की बीवी फरार होगी, जिस तरह से इलाज करते उसका नाम भी हदीस से निकले, और इसी तरीके से सियासता वालों के साथों कारियों के नाम भी दिखाएं, फिर आपसे भी पूछ लेना। जब ये खत गया मुझे जवाब लिखता है, मैं बहुत खुश था कि आपके खत से मेरे शुबहात दूर हो जाएंगे, लेकिन बड़े अफसोस से लिख रहा हूं कि आपके खत से शुबहात बढ़ गए। मैंने फिर जवाब लिखा, मैं लिखा ये बिल्कुल झूठ है कि मेरे खत से शुबहात बढ़े, आप मेरे खत की इबारत लिखे कि इस इबारत से ये शुबा पैदा, शुबा भी लिखे इस इबारत से ये शुबा पैदा हुआ, इस इबारत से ये शुबा पैदा हुआ, आप लिखे फिर मैं मानूंगा कि वाकई मेरे प्राण पास से प्राण शुबा आपके दिल में पैदा हुआ है, वरना आप मरीज हैं मैं तबीब हूं। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह खुशी हुई है कि वो जो दिल के अंदर बीमारी थी ना जरा ऊपर आ गई है शुभ, तो इंशाल्लाह पहली खुराक मुअसर रही है, आप दो तीन खुराकें इस्तेमाल करें इंशाल्लाह ये दफा हो जाएगी सारी जुबान। वो फी को लोग मर्द पर ज्यादा हो मल्ला मर्द वाली बात जो थी ना, आपका चूंकि दिल मरीज था शुभ से भरा हुआ था, अब पहली खुराक से कुछ उखड़ गए हैं, अब आपको नजारे के ऊपर आ रहे हैं करीब आ रहे हैं, इंशाल्लाह आप सब्र करें। वो तबीब कभी अच्छा कामयाब नहीं होता जो मरीज की मर्जी बांधे, मरीज को तबीब की मर्जी बांधी कर दी है, आप दिल कड़ा करके दो तीन खुराकें इस्तेमाल कर लें इंशाल्लाह शफा अल्लाह के हाथ में है, उम्मीद है आपको शफा हो जाएगी। फिर उसने मुझे खत नहीं लिखा, छह महीने हुए मैं जामिया मदनिया लाहौर गया तो वहां खत उसने पढ़ा था। मैंने उठाया मेरे वही बैठकर खत लिखा कि छह माह के बाद आपका फिर खत जामिया मदनिया में देखा, आपको एक खुराक मैंने दी थी, अब दो ही सूरतें थी, या तो मरीज मर गया होगा या तंदुरुस्त हो गया होगा क्योंकि आपने दोबारा मेरी तरह रजू नहीं किया, तो मैं ये समझा था कि या तो तू तंदुरुस्त हो गया है
और यह भर गया है, इसी को सूरत मेरी समझ में नहीं आती थी, तो अब दोबारा मेरी तरफ रजू कर, मेरे खत का पहले मुकम्मल जवाब लिख कि कौन कौन से शुभ हाथ मेरे किस बारे से पैदा हुए, ताकि मैं तुझे दूसरी खुराक भेजू, अल्लाह तला तुझे शिफा आता है। उसके बाद उसने कई खाते देखा, अब नहीं। तो ये इन लोगों की इस किस्म की शरारतें होती है। अब ये भी कुछ जरूरी है, ये देखो बात दलील समझ में आई ना, कि एक अमर तशरी है कि कुरान पढ़ो, एक तकवीर है कि जो उस्ताद आपको भेजे आप उसे पढ़ लें, एक अमर शरी है कि आप बाजमात नमाज पढ़ें, एक ये है कि जो इमाम मस्जिद के पीछे पढ़ लें। इसमें कोई ऐसी बात है जो समझ में ना आने वाली हो, लेकिन वो समझदारों को समझ आती है ना, गैर मुकल्लों को समझ तो होती नहीं कम औरतों को, इसलिए गैर मुकल्ल का मतलब मैं बयान करता हूं ना, अकल न बहुत कितना अकल है भरते हैं कब, हम जान छोड़ दिया हमारी इतनी अकल ने। अब ऐसे सवाल आपको हम समझते हैं कि पहले दर्जे के जा रहे ये लोग, और वो समझते हैं कि हमने बड़ा कमाल किया है। ऐसे सवाल आप हम करते हैं कि शायद हर युग के बाद जवाब हो या, तो ये इन बातों के जवाब तो पुराने स्कूल के भाषण के पास भी है, बड़े हजरात तो बड़े हैं ना, तो छोटे हजी मेरे के जवाब आज जानते हैं, क्योंकि बच्चों की तरह की शरारतें हैं ये, तो बच्चों के मिजाज को बच्चों का भाषण समझता है, इसलिए बड़े जो है वो उनका सिर जरा ऊंचा हो जाता है ना। तो ये हकीकत फिका हो गई, जब तमाम अजमा बरहक है तो मिसाल भी एक है, मैं कुछ मिसाल दूसरी की दलील कर ली जाए। पहली बात तो ये जो मैं बता रहा हूं कि तकलीद में, ये बात तवज्जो से सुने, कई हजरात बैठे हैं लिख भी रहे हैं या नहीं कुछ, और वो सिर्फ वक्त पास करने के लिए बैठते हैं, पक्के घर निकल दे वो सुनते नहीं समझते नहीं, अपना मजहब भी समझना नहीं चाहते। मैं ये बता रहा हूं कि तकलीद में ये फैसला करना कि कौन सा मुझसे ज्यादा अच्छा है, ये मुकलद के बस की बात नहीं है। तकलीद में मदार रखा गया है मुकलद की सहूलत पर, जिस मुल्द का मजहब मुकलद को तवातर और यकीन के साथ मिल सकता है, ये उसकी तकलीद करेगा। हदीस का मसला भी दर्शन उतारा, यमन में हजरत माज की तकलीद हो रही है ना, उस वक्त हजरत अबू बकर मौजूद थे, कोई सिर्फ बड़े या नहीं हजरत उमर, लेकिन कोई यमनी अबू बकर की तकलीद नहीं करता था, हालांकि जानता था उनका मुकाम हजरत माज से बहुत मिलंद है। क्यों? हजरत माज फतवा देते पूरे यमन में अमन शुरू हो जाता, वो फतवा मुतवातर हो जाता और यकीनी हो जाता ना। अबू बकर सिद्दीक अगर फतवा कोई यमन में लेकर आए तो पहले तो रावी की जांच होगी कि सीखा है भी या नहीं, फिर सामने अमल तो है नहीं सबका, उसमें कोई इजमाल होगा, अमल के बाद तो इजमाल खत्म होता, सारी तफसील सामने आ जाती है ना, तो अगर कोई इजमाल होगा तो आप फिर वहां पूछने जाएंगे कि जी आपकी बात में ये इजमाल है समझे। इसके लिए आम का मिसाल दिया करता हूं कि देखो डेट और डे फैसला कर दिया कि भाई चांद साबित हो गया, सब ने रोजे रखे हुए, तो यहां रोजा मुतवातर है। यहां से एक साहब पेशावर चले गए, उन्हें जाता था कराची में तो रोजा है, अब ये जो गया है तो अकेला गया है, सारा तवातर तो साथ खरीद कर ही ले गया था, अब वहां तो इस रावी को देखा जाएगा कि रावी काबिले एतमाद है भी या नहीं, और काबिले एतमाद भी है तो जन हासिल होगा, यकीन तो हासिल नहीं होगा ना। तो इसलिए जिस तरह यमन में हजरत माज का फतवा मुतवातर था अमल, और अमल के बाद इजमालात भी सारे खत्म हो जाते हैं, किसी तशरीह की जरूरत बाकी नहीं रहती, इसलिए सारे यमन वाले हजरत माज की तकलीद चलती करते थे। हालांकि इसमें शक नहीं कि सिद्दीक अकबर भी मौजूद है, फारूक आजम भी मौजूद है, उनके मुर्शिद होने में यमन वालों को शक नहीं था, लेकिन यमन वालों को जिस यकीन और सहूलत से हजरत माज का फतवा मिल सकता था, इस यकीन और सहूलत के साथ अब अगर सिद्दीक का फतवा उनको नहीं मिल सकता। इसी तरह यह एक ही मजहब मतवात्र है, जैसे यमन एक में एक ही मतवात्र था इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का, तो यह तो दूसरे मजहब है ही नहीं,
कि जी एक मसला उधर बांध लिया, एक उधर बांध लिया, एक उधर बांध लिया। दूसरा ये कि अगर बिल फर्ज कहीं चारों भी हो तो ईमान की तकलीर तकलीर शख्सी भी होती है। तकलीर गैर शख्सी तो इब्तदा हवा है ना, क्यों? अब चारों जो है उनको बर हक माना जाए हर मसले में, तो फिर आप तकलीर नहीं कर सकते। आखिर किसी को राज्य मानना पड़ेगा, वरना ये जो हराम हलाल क्या करें जी, क्या करें? चार इमाम हो गए, चार 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 कहते जा रहे हैं, चार इमाम है, चार 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 चार। देखा ये तो सुना था कि कुछ लोग महंगे होते हैं और उनको एक के दो नजर आते हैं, लेकिन पहली दफा ऐसे महंगे देखे जिनको एक के चार नजर आ रहे हैं। हमें तो इस मुल्क में सिर्फ हरवी हरवी मतलब नजर आता है, न बालकियों का मदरसा है, न शादियों का, न हमलियों का इस मुल्क में। तो आपको चार कहां नजर आए भाई? कि चलो यहां जहां से कहीं हो गए ना, तो मेरे कहा वो लोग परेशान हो, आपको क्यों परेशानी लागे? यहां तो एक ही है जी, नबी एक है ना, मेरे कहा एक, इमाम क्यों चार है? मेरे कहा कोई किसी कुरान की याद के खिलाफ है चार इमाम होना, या हदीस के खिलाफ है? तो जब नबी एक है, इमाम एक होना चाहिए, चार क्यों बनेगा? मेरे कहा अकल भी यही कहती है, दकल भी, कि इमाम ज्यादा होने चाहिए नबी से। कैसे? फिर तो कुरान कहता है वलकद आतैना मूसल किताब फला तकुन फी मिर्यति मिन लिकाही व जालना हुदन ले बनी इसराइल। आगे क्या है? अब मूसा रसूल एक है, व जालना मिनहु आइमा जमा का सीगा है, तो रसूल एक है, इमाम कई है। एक तो ये पता चला कि एक नबी की मोहब्बत में इमाम कई हो सकते हैं, और दूसरा यह भी पता चला कि आइमा जो होते हैं या दो नबी अमरी नाम, वो अपनी जाती बातें नहीं बताते, अल्लाह के अहकाम समझाते हैं लोगों को। तो मेरे ख्याल देखो कुरान से पता चल गया, आप तो कुरान के मुनकर हैं। अकल भी यही कहती है, देखो नबी भी एक हो सारी दुनिया का, इमाम भी एक, तो नबी के बराबर हो गया ना। अब एक सूबे का एक मुल्क का इमाम और हो, दूसरे का और हो, तो इनका दर्जा कम रहेगा ना। तो अकल भी चाहती है कि इमाम का दर्जा नबी से कम ही हो। तो चलो चार हो गए, ज्यादा होते तो और भी अच्छा था, चार हो गए, तो अब किसी इमाम को नबी के बराबर हम नहीं कह सकते। तो अच्छी बात है कि चार हो गए। अच्छा जी, किसी हदीस में है कि एक ही इमाम की तकरीर करो? किसी हदीस में है? तो कहा आप कुरान पाक पढ़ते हैं? कि जी हाँ। मैंने कहा सातों किराते याद है? कि नहीं जी, एक ही याद है। तो मैंने कहा कोई हदीस सुनाए कि सारी उम्र एक ही किरात पर कुरान पढ़ना, ये आप सुना दे, तो फिर एक इमाम की तकरीर हदीस उसी समय से मैं भी सुना दूंगा। आप सुनाए कि किराते सात है, एक ही इमाम की किरात पर कुरान पढ़ना, बाकी पर ना भी ना पूछना किसी से। कि जी हम करें क्या, यहां हमें किरात आती है एक है। तो देखिए इसी को तकवीर कहते हैं कि यहां एक ही किरात होती है, तो हम क्या करें, यहां मजहब ही एक है। कहते चार है, चार चार चार, मेरे कहा यहां चार नहीं, एक ही है। मेरे कहा अगर कुछ आप पढ़े लिखे सोचा होगा, हमने सोचा चारों को छोड़ दो, हमने सोचा है। मेरे कहा जल्दी ना करना, अकलमंद आदमी सोच समझ का छोड़ा करता है। मेरे कहा चार से छह ज्यादा है, छह से सात ज्यादा है, तो कुरान में सात किरातों का इख्तलाफ है, पहले कुरान छोड़ो, बड़ा इख्तलाफ पहले छोड़ना चाहिए ना। फिर सियासी था, छह किताबें हदीस की, इन भी आपस में इख्तलाफ ही हदीस है, तो फिर छह का इख्तलाफ छोड़ो, इन बेचारों की बारी को तीसरे नंबर पर आ रही है। आप पहली इनके पीछे लगे हुए हैं, आप जल्दी करें ऐलान कर दें, देख दें कि हमने कुरान छोड़ दिया, हमने सियासिता छोड़ दी, उसके बाद ठीक है आप इनको भी छोड़ दें, कोई बात नहीं। कि जी चारों ही इमाम बार आते हैं, मेरे कहा चारों बार आते, चारों ही जी, मेरे कहा चारों जी, चारों ही, मेरे कहा चारों। कि जब चारों बार हक है,
तो एक इमाम की तकलीद में चौथा हिस्सा भी नहीं था ना, चौथा हिस्सा तीन से आप तो तीन इमामों के पास चला गया, तो आपके पास चौथा ही हक है ना, तीन बड़े चार हक तो आपका लय हो गया। मैंने कहा सातों किराते बार हक है ना, कि जी हाँ। मैंने कहा आप एक किरात पर कुरान पढ़ते सातवें हिस्सा पढ़ते हैं ना, छह चीज आपने जाय किया हुआ है कुरान। कहते नहीं नहीं एक किरात पर जो कुरान पढ़ा पढ़ा तो पूरा ना। मैंने कहा जिस तरह एक किरात पर कुरान पढ़ने से पूरा कुरान पढ़ा जाता है, एक इमाम की तकलीफ में पूरी सूरत बराबर हो जाता है जी। आप चारों को बराक कहते, मेरे कहा चारों को बराक कहते, चारों को ही मेरे कहा चारों, आपको अकल है? मैंने कहा अल्लाह ने दी है और आपकी तरह खराब नहीं किया अल्हम्दुलिल्लाह। इनमे हराम हलाल का इख्तलाफ है, हराम हलाल का, हराम हलाल का, हराम हलाल, हराम हलाल। ये बेचारों का क्या कसूर है? ये डबियों के ताबेदार है, डबियों में हराम हलाल का इख्तलाफ है। आदम अलैहिस्सलाम के जमाने में बहन से निकाह हलाल है, अब हराम हो गया। याकूब अलैहिस्सलाम की दोनों बीवियां जिल्फा और बुलहा सकी बहने एक वक्त निकाह में थी, अब आ गया लाता जी वो बहन रोकता है। कुरान में है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके वालदैन भाइयों ने सजदा किया है, अब हराम करार दे दिया गया है। तो ये हराम हलाल का इख्तलाफ तो दबियों में मौजूद है, तो पहले दबियों को छोड़े फिर बिचारे इमामों की बारी आ रही है कहीं। कहता वहां तो ये है ना कि अब सजदा मनसूख हो गया तो नासिख मनसूख का मसला है। मैंने कहा यहां राजे मरजूह का मसला है, वहां नासिख मनसूख का मसला है, हम नासिख पर अमल करते हैं मनसूख पर, यहां राजे मरजूह का मसला है, हम राजे पर अमल करते हैं मरजूह पर। कि जी फिर उनको गुनाह होगा? मैंने कहा जो उस जमाने में मनसूख नहीं था ना, उस जमाने गुनाह नहीं था, अब सजदा करें तो गुनाह होगा ना। उस जमाने में बहन से निकाह करना गुनाह, अब गुनाह है ना। तो इमाम शाफी की हाँ वो कौन राजे है, हमारे यहां मरजू है ना। तो कहता जी सोच सोच के, वो जी जमाना अलग अलग था। मैंने कहा यहां इलाका अलग अलग है, वो श्रीलंका में है, हम यहां वहां जमाना अलग था, यहां इलाका अलग अलग है, बाल्की और मुल्क में है, हबरी और मुल्क में है, शाफी और मुल्क में है, अरबी और मुल्क में है। एक कहता जी हर इलाके का खुदा अलग होता है, फिर हर जमाने का खुदा अलग था। फिर कहता जी जब चारों हक है तो आपको चारों पर अमल करना चाहिए। मैंने कहा आप सारे दबियों को हक मानते हैं? जी हाँ। तो मेरे कहा उस दिन हफ्ता था, तो मेरे कहा कल जुमा आपने पढ़ा ना, आज आप हफ्ता पढ़ने में गए यहूदियों की हाँ या नहीं? क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम बरहक है और वो हफ्ता पढ़ते थे। अब या तो मूसा अलैहिस्सलाम को बरहक कहना छोड़ो या हफ्ता पढ़ो यहूदियों के यहां जाके, और कल इतवार पढ़ने भी जाएगा ना गिरजे में आप, क्योंकि ईसा अलैहिस्सलाम बरहक है। कहने के नहीं नहीं हम बरहक सबको मानते हैं, लेकर ताबियादारी अपने ही नबी की करते हैं। तो मेरे कहा यही हम कह रहे हैं कि बरहक हम सबको मानते हैं, लेकर तकलीद अपने ही इमाम की कर रहे हैं। मेरे कहा ये जो इज्तिहादी इख्तलाफ है इसकी मिसाल ऐसी होती है, एक है इजमाई हराम हलाल, एक है इज्तिहादी हराम हलाल। इजमाई वो है जो पूरी उम्मत के लिए नुकसान दे है, उसको हराम कर दिया गया। ये जो है ये है कि एक के लिए फायदा मंद, एक के लिए नुकसान दे। जैसे एक को डॉक्टर कहता है कि तेरे लिए चार जहर है, खबरदार अचार न खाना, दूसरे को वही डॉक्टर कह रहा है कि अचार में विटामिन सी है, तेरे लिए बड़ा फायदा मंद है। और हकीकत भी यही है, तकवीदी तौर पर ये मजाक वही वही फैले हैं जहां जहां ये चल सकते थे। तकवीदी तौर पर लेबिया में बाल किए सारे, वहां बेचारे हट भी रह नहीं सकते, क्योंकि मालकी हो जब तक सारे बस में भरने पानी के पानी पाक ही रहता है ना। वो अलामा काल में वो सब परसों पास सुना रहा था ना, उनकी गाय तो वहां बैठे थे मौला जरवरी साहब के पास, डॉक्टर अलामा काल में वो साहब वो कहीं आए ना, कोई तारे में आए कि जी को कपड़े धोने में तो दे दो थे, तो पूछते पहले ये बताओ कि तू है मालकी या हदफी? जी मैं हदफी हूं।
बोले दे दे, ये सारे हनफी तालबे वो कपड़े धो के धोते हुए पक्के मालकी होते हैं, एक ही बाल्टी में सारे कपड़े धो रहे हैं बार बार उसी में तो कहते कपड़े धोते वक्त ये सारे मालकी होते हैं, अगर तू हनफी है तो फिर मैं दे देता हूं, और अगर एक ही पार्टी में सारे के जोड़ने जाएंगे तो फिर तू बाल की अगर जो कहता हनफी है। अब वहां पानी इतना कम है वो बेचारे उसी से बर्तन वजू करेंगे, उसको बाल्टी में जब फिर उससे बर्तन धो लेंगे, पूरी बकरी को पिला लेंगे, अब वहां हनफी चल ही नहीं सकता, हनफी मतलब इनको तो खुला पानी चाहिए ना। इसी तरह आप देखेंगे शाफी आमतौर पर समुद्रों के किनारों पर आबाद है, क्योंकि उनके यहां समुद्र की हर चीज हलाल होती है ना, तो देखो जहां जिसकी खुराक हो वहां शाफी पहुंच जाते, क्योंकि हनफी खुराक मैदानी इलाकों में होती है, आमतौर पर मैदानी इलाकों में हनफी आबाद होती है, और समुद्रों के किनारों पर शाफी आज जहां जहां जिसकी खुराक है वहां वो आदमी पहुंच जाते हैं। तो मकसद यह है कि तकवीनी तौर पर भी हम देखते हैं कि मजाब वही वही फैले हैं जहां वो चल सकते हैं, और दूसरी जगह पर जहां वो चल भी नहीं सकते वो मजाब जो वहां दिख है। अच्छा अब कार्य लगे कि अच्छा जी ये फरमाए, अरे एक मसले में तीन इमाम एक तरफ है, तीन तीन तीन, और एक एक तरफ है, एक 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 बड़ी तखीर से, अब किस मसले को माने चाहिए, जब तीर हो या एक हो, अल्लाह के बदले तीर क्या होते हैं, तीर हजार भी एक तरफ हो तो हम अपने इमाम को मानेंगे, ये इंसाफ है, इसमें कौन सी बेइंसाफी। देखा जहां कुरान पाक में सजदा तज़ीबी यूसुफ अलैहिस्सलाम को लिखा है, वहां बड़ी तफसीरों में रवायात दर्ज है कि पहले हर नबी की शरीयत में सजदा तज़ीबी जायज था, हमारे नबी पाक ने हराम फरमा दिया। अब 1,23,999 नबी कहते हैं सजदा तज़ीबी जायज, तीन नहीं 1,23,999, और एक नबी कहता है नजायज, तो गिनती करके जाएंगे या अपने ही नबी की मानेंगे, क्या ख्याल है। मैंने पूछा कि कुर्बानी का गोश्त खाते हो, कि जी हां, आपसे ज्यादा खाते हैं, आपके यहां 3 दिन कुर्बानी की, हमारे 4 दिन है, और आप सिर्फ बकरा खाते हो, घोड़ा भी खा जाते हैं कहते। तो मैंने कहा पहले किसी नबी की शरीयत में कुर्बानी का गोश्त खाना जायज नहीं था, या तो आग आती जला देती थी, ये दलील थी कुर्बानी कबूल होगी, और अगर आग नहीं आई तो इतनी मनहूस हो जाती थी कुर्बानी के दूर जाकर उसको जलाते थे ताकि दूर भी शहर में ना आए। अब 1,23,999 नबी कहते हैं कुर्बानी का गोश्त खाना जायज, और एक नबी कहते हैं जायज, तो गिनती करनी चाहिए ज्यादा किधर है या अपने ही नबी की माननी चाहिए, कहते अपने की माननी चाहिए। मेरे कहा पुराने पाक में सुलेमान अलैहि सलाम के जिक्र में महारी व तमाशीला के नाम आते हैं, मुजस्सर तस्वीर तमसाल, वहां लिखा है मुफस्सिर ने कि पहले हर नबी की शरीयत में मुजस्सर तस्वीर बनाना जायज था, ये इबादत बना थी तस्वीर बनाना जायज था। अब 1,23,999 नबी कहते हैं तस्वीर जायज, और कितने नबी कहते हैं हराम, तो अब गिनती करके जाना चाहिए या अपने के पीछे रहना चाहिए, क्या ख्याल है। मैंने कहा तुम छेतीर को रो रहे हैं, लाखों का मजरा है यहां, आकर ढीले से हो कि कर लगे। अच्छा फिर अगर तकलीद करनी ही है तो मक्के मदीने वाले इमाम की करनी है, कूहे वाले की करनी चाहिए, मक्के मदीने वाले इमाम की करनी चाहिए, दीन मक्के मदीने में आया था या कूहे में आया था। दिल का आपका दिल क्या कहता है, बकेब देने वाले इमाम की करनी चाहिए, बकेब देने ना। फिर का कोई आया था रीस पढ़े कि बकेब देने वाले इमाम की तकरीर शिरक नहीं है, जायज है, और किसी वाले की नाजायज है, खामोश। फिर का देखो झूठ बोलना बहुत बड़ा गुनाह है, आप झूठ बोलने के बगैर आपको रोटी हजम नहीं होती, हमने झूठ बोला मेरे का बहुत बड़ा, तो क्या झूठ आपने बोला। मैंने कहा 7 कार्यों में बकी कारी भी है, बदरी भी है, बसरी भी है, तुम तो सारे कारी आसम कूफी की किरात पर कुरान पढ़ रहे हो, तुमसे बड़ा कूफी कौन है,
कुरान नाजिल मक्के में हो मदीने में हो और तुम ना मक्के के कारी की किरात पढ़ो ना मदीने के कारी की कूफे कारी किरात पढ़ो। पिछले में कहा करता हूं कि गार बगल मिले तो पहले पूछा करो कूफियो आ गए हो कूफियो कूफियो आ गए हो। अब बेचारे नीले छो के कहता जी कूफा वालों ने कुरान खूब तो नहीं करा था ना, नबी पाक के तकरीबन 1500 साहबा मक्के मदीने से कूफे आए थे और वो कुरान लेकर आए थे। अच्छा अल्लाह ताला अगर किसी को हिदायत दे दे तो खुदा की हजारों में कभी तो नहीं। अब मुझे इतनी बात समझा दो कि सहाबा जब मक्के मदीने से चले कुरान साथ लाए थे ना कि जी हाँ तो एक नमाज मक्के वाली मक्के फेंक आए थे कि कूफे जाके नहीं गाड़ लेंगे, चलते वक्त मदीने वाली नमाज मदीने में फेंक आए थे कि कूफे जाके नहीं गाड़ लेंगे। जिस तरह कुरान कूफा में मक्का मदीने से आया है नमाज भी मक्का मदीने से आई है, लेकिन करे क्या, ये दो रामजी हमारी जान नहीं छोड़ते। एक रामजी कहता है वो कुरान गलत है, दूसरा कहता है वो नमाज गलत है। एक रामजी हमारे कुरान का दुश्मन बना हुआ है और एक रामजी हमारी नमाज का दुश्मन बना हुआ है। तो ये जो आपके शुबात तकलीद वाले थे तकरीबन इसमें इस किस्से में काफी सारे आ गए। हद रह गई कि अगर बिल फर्ज कहीं चारों भी हो तो तकलीद वहां भी शख्सी होगी। देखिए आपके मुल्क में इमाम तो चार नहीं है लेकिन तरीके इलाज चार है, होम्योपैथी एलोपैथी आर्योवैदिक यूनानी। तो आप जिस पर चाहे इलाज करा ले एक का, लेकिन अगर आप यू करें कि नुस्खे चारों से लिखवा लें फिर उनको मिला के एक एक चुटकी वहां से एक वहां से एक वहां से एक वहां से इस तरह इलाज करेंगे तो इलाज होगा। क्यों, इनके असूलों में इख्तलाफ होता है। अब एलोपैथी वाले जो है ये गर्म बीमारी में दवाई भी गर्म देते हैं, कहते हैं गर्मी गर्मी को काटती है। मेरे छोटे भाई को बुखार हो गया गर्मी का बुखार, इतने गर्म कैप्सूल दे वो इतने गर्म कैप्सूल दे मेरे को पहले ही बेचारा जला हुआ है, कहते जी यही काटेंगे। पहले एक दे दे के ये दो खाया करे आप, तीन कर दिए आकर उनसे कट की बीमारी। और यूनानी जो है ये कहते हैं कि गर्मी में सर्द दवा दो। अब एक चुटकी यूनानियों से ले ले एक कैप्सूल उनका ले ले तो बीमारी सही हो जाएगी। तो कोई कहेगा ये मेरा इलाज करा रहा है, सब कहेंगे नफ्स परस्ती कर रहा है। तो तकलीद एक ही होती है, वत्तबे मिल्लत इब्राहीम हनीफा। तो हनीफ किसे कहते हैं, जो यक रोका हो, यक रोका इंसान। तकलीद शख्सी में होता है या गैर शख्सी में, वो तो जल वजहन होता है ना। कशातिल आयरत बैनल गरवैन। अब देखिए खूबी यही बताई है, वत्तबे मिल्लत इब्राहीम यक रुका होना, ये कमाल की चीज है। और काफिरों की बुरी आदत क्या बनाई है बताई है, इंद्रबंदसियों ज्यादा तर फिल कुफर, वो इस सारी इस महीने को हराम कर देगा सारी को हलाल करना कहते कर देते या नहीं। तो तकलीफ शख्सी में यही होता है ना। अब इसी इमाम की तकलीफ है ये चीज हलाल है, अब इसकी तकलीफ हलाल होगी हराम होगी। तो ये आदत काफिरों की है, इसलिए इससे बचना चाहिए। तो तकलीद अगर इमाम की करनी है वो तो एक ही की होगी, और दफ्स की करनी है तो फिर ये है। आज सारा रुको पर ही चलेगा, मतलब ये है बंदे की तबीयत सख्त खराब, तकलीद ऐसे की मिसाल न दे फलां शादी की फलां इलाके में ही, वरना तकरीब ताम न होगी। इसलिए कि दावा आम होगा दलील खास होगी, मेरे दावों को नहीं समझा। मेरा दावा यह है कि तकलीद का फर्ज होना मसला शरी है, और किस इमाम की तकलीद हम पर फर्ज है यह मसला तकवीली है। तो इसलिए इसके लिए तकवीन होगी। रहा यह कि एक इमाम की तकलीद हराम है, इसके लिए भी कोई आयत चाहिए या नहीं चाहिए, वो भी तेरे को भी चाहिए ना कुछ पेश करना। अब सुने फसलू अहल जिक्र इनको तो ला तालाबूद, अहल जिक्र इसमें जिन्स है जैसे लफ्ज इंसान, तो अहल जिक्र इंसान का लफ्ज एक और भी बोला जाता है, ज्यादा पर भी बोला जाता है, सब पर भी। अब दो ही सूरतें होगी, या तो ये कि मसले की जरूरत पड़ी तो सारे अहल जिक्र के पास जाकर पूछो फिर अमल कर दो। एक तो ये तकलीफ माला युताक है,
जो है जब ये 120 मसले इकट्ठे होंगे तो ये अमल कैसे करेगा, आखिर तहरी पर आ जाएगा ना। तो तकलीद इमाम की ना रही, तहरी पर आ गई ना बात। इसलिए एक ही इमाम की तकलीद हो सकती है और की हो ही सकती है। इसी तरह या यू अल्लाह जी ना आमन अतीउल्लाह व अतीउर रसूल बोले लबरे बिन को बोले लबर उसे कहते हैं जो अहले इस्तंबात व अल्लाह जी ना यस्तंबतून हो बोले अबर हाकिम को कहते हैं ना। तो एक जिले में डीसी 10 होते हैं, एक ही होता है जी, दो अफसर चल सकते ही नहीं। इसीलिए मुजतहिद को हाकिम कहा गया है, मुजतहिद को, और मुकल्लदीन रियाया है, गैर मुकल्लद बागी है, गैर मुकल्लद। देखो ना आप समझा दोगे ना कुरान पाक ने एक लफ्ज में कितनी बातें समझा दी। यही से समझाया कि जिस तरह एक मुल्क में एक ही हुकूमत चल सकती है, दो हुकूमतें नहीं चल सकती। अब ये कुरान पाक ही है फिर, जो कहते हैं तकलीद गैर शख्सी वाजिब है, उनके जिम्मे एक तो ये है कि आयत हदीस पेश करें कि तकलीद शख्सी हराम है, दूसरा ये कि मुतय्यन करें कि एक से 10 मसले पूछ सकते हैं, 11वां हराम होगा या 15वां हराम होगा, पता तो चले ना कि भी कितने मसले पूछ सकते हैं, या हर मसला सबसे पूछ रहे हैं या एक एक से एक दूसरे से। तो मसलों का मुतय्यन करें। देखिए इस्तिंबात का लफ्ज भी कुरान इसी के लिए आया ना, इस्तिंबात कहते हैं जो जमीन के तह के नीचे पानी छुपा हुआ कुआं निकालकर उसको जाहिर कर लेना। अब अगर किसी मुल्क में गांव में एक ही कुआं हो, सारी उम्र उसी कुएं से वजू करते रहे तो जायज है या नहीं, या कोई हदीस दिखाए कि 10 दिन करना बाकी आराम हो जाएगा, फिर किसी और शहर में चले जाना कुआं देने के लिए। अच्छा सारा कुरान आपने पढ़ना है एक को साथ से पढ़ लेंगे तो जायज हो या नाजायज जी। देखिए एक होते बदीहियात, एक होते नजरियात। ये लिखने वाला जो है ना, लिखा जी मिसाल न देना, हम बस रहे तकलीद को बदीहियात में समझते हैं, फिर दलील ना भी हो तो मिसाले भी काफी होती है, तो इसलिए पहले रोकते हैं कि मिसाल न देना, क्योंकि मिसाल बदीहियात में देनी जरूरी होती है। तो इसलिए ये जो इन्होंने लिखा है तकलीद शख्सी की दलील, हजरत जिसकी बाद रजी अल्लाह तआला की शख्सी होती थी या नहीं, अमर में बुखारी शरीफ में है कि मक्के के लोग मदीने हज करने गए, मदीने के लोग मक्के हज करने गए, इब्ने अब्बास से हाजा के बारे में मसला पूछा, उनने जैद बिन साबित के खिलाफ बताया जो मदीने के मुफ्ती थे, तो साफ है उन्होंने कहा ला ना खुद में कौले का, हम आपका कौल नहीं मानेंगे, जैद बिन साबित का कौल मानेंगे। तो मालूम हुआ कि वो वहां तकलीद शख्सी करते थे। तो फसल वाला जिक्र इनको तू ला ताला बुद, ये जगह मैंने पढ़ी, वो मालवी था, हदीस से तफसीर करो, हदीस से, हदीस से, फिर कहते तो हदीस से शुरू, फिर वो हदीस से शज्जा पढ़ दी, वो जख्म हो गया था ना गहरा, उन्होंने फतवा दिया कि गुसल कर लो, वो फौत हो गया। हजरत ने बद्दुआ दी कातलू हो कातल अहमदुल्ला, और आगे क्या फरमाया, इन नमा शफा ये सवाल, ये सवाल फसल वाला जिक्र सवाल है ना। तो मैंने कहा अब हजरत ने देखो किस तरह आम है बदाल में बात समझा दी कि हर जगह लोग बीमार होते हैं, उनको इलाज की जरूरत होती है, तो वो इलाज डॉक्टर से कराते हैं, परेशानी से खुद किताब से नुस्खा लिखते हैं या डॉक्टर के पास जाते हैं जी। चार डॉक्टर हो तो चारों से लेकर फिर नुस्खा उसकी तकसीम करते हैं, एक ही डॉक्टर से वो इलाज करवाते हैं और उसके पूरा उस पर एतमाद करते हैं कि ये डॉक्टर उसूल के मुताबिक हमें बता रहा है। तो उससे मैंने ये बता के मैंने कहा इससे पता चला कि जो माहिर है वो तो अपने तरीके से अमल करेगा अपनी महारत पर, और दूसरा उसकी तकलीद करेगा, और जो माहिर नहीं करवा दे उसके लिए गैर मुकल्लद के लिए हजरत ने बद्दुआ की है कातलू हो कातल अहमदुल्ला। तो ये सुन्नत मुअक्कदा है गैर मुकल्लदों के लिए बद्दुआ करना कि या अल्लाह इनका सत्यानाश हो जाए, कुछ न बचे, कातलू हो कातल अहमदुल्ला। तो खड़ा हो गया जब ये मैंने कहा ना, खड़ा हो गया, अब कसम अल्लाह की कसम, रसूल की कसम, खुदा की कसम, कुरान की कसम, ये धोखा दे रहा है, ये धोखा दे रहा है। तो बाद 10-12 कसमें जो नहीं खा रही थी वो भी खा गया, जो खा रही थी वो भी खा।
जब कस्बे खा के खड़ा हुआ मैंने कहा कबरे कस्बे सुन ली इसकी अब सुन अल्लाह कहता है ला तो ते कुल्ला लाफिम बहीन इस कबीरे की कस्बे पर बिल्कुल न जाना यहां से झूठी कस्बे खाते कब वक्त बाग के अंदर जाके दरवाजा बंद कर ली। अब मैंने समझा कि अब ये परिस को फोन करेगा प्रोफेसर साहब मैं जल्दी से वहां से निकला और तबलीगी बर्फ में जाके तबलीग में बैठ गया। अब वहां वो तालीम हो रही थी जनाब पुलिस ने सारी मस्जिदें देखी जहां बिच मदरसे में आया हुआ था मदरसे में बार बार आए और मैं वहां तबलीग की तालीम में बैठा था। वो सारे फिर फिर के चले गए यही था जी वो जामिया मदनी में आया हुआ है कहते जामिया में 10 दफा जा चुके नहीं है वहां। अब ये किसी को ख्याल नहीं आया कि वो तबलीगी जमात में भी जा सकता है। अब मैं वहां तबलीग में तालीम में बैठा था आराम से तो बेचारों के पास फिर अल पुलिस या पुलिस अल मदद अल ग्यास यही होता है तो है कि मुतलक तकलीद वाजिब बिजात है। मुतलक तकलीद वाजिब बिजात है तकलीद शख्सी वाजिब बिल गैर है हमारा दावा यही है। यदि जो तकलीद यहां इमाम होगा उसकी तकलीद करेंगे। अब जब मैंने पीर बदीउद्दीन गीत से ये कहा कहता ये वाजिब बिजात वाजिब बिल गैर कौन समझेगा तो देखा मैंने लिखा मैं समझा दूंगा। मैंने कहा देखो भाई ला सलात लिमन लम यकरा बिफातिहा तिल किताब ये सूरत फातिहा पढ़ी नमाज में वाजिब बिजात है। इस पर एराम लगाने मुकदमतुल वाजिब वाजिब ये वाजिब बिल गैर है। तो इसी तरह से किताब व सुन्नत पर अमल वाजिब बिजात है और तकलीद उसका मुकदमा है उस वाजिब के अदा करने का ये वाजिब बिल गैर है। इब्ने तैमिया बीच है दीजिए मुकलद आपको क्या जरूरत पड़ी इब्ने तैमिया की। इब्ने तैमिया अपने आप को मुकलद लिखता था लेकिन मतबार फिर मजब समझा था कहीं कहीं निकल जाता था छलांग लगा के इधर उधर कर्फियों में इब्ने हबाब मालिकियों में इब्ने अब्दुल बर शाफी इब्ने दकी कुलीन ये असरात जो ये लंबे बड़े वसी थे तो कभी कभी बाहर निकल जाते थे। पाकिस्तान में कौन सी तंजीमें हैं मैं गैर मुकल्लों की जो मजबूत काम कर रही है शुक्रिया। इसका यहां क्या ताल्लुक है गैर मुकल तो सारी है मजाई भी गैर मुकल तो रीत छोड़ गए सारे रफा जहर के बारे में इख्तराफ करते हो हालांकि आईमा रफा जहर के कायल है और तो उनके दम सब को हक मानते हैं इसकी वजह से वजात फरमाए। मालूम होता है कि बात को पूरी वजह से सुनते नहीं आप न समझते हैं। देखिए इसका पहले भी वजात की थी कि आईमा का हम मानते हैं चारों आईमा बर हक है अमल में हकीकत में हम यही कहते हैं जैसे चार ने चार तरह नमाज पर ही तहरी करके हम कहते हैं चारों की नमाज बर हक है लेकिन किबले चार दी पर किबला एक ही है। इसे हम कहते हैं कि जिसने सही तरफ नमाज पढ़ी 2 अजर और जिससे कता हुई नमाज कबूल होगी उसका भी इस कबूलियत की वजह से हम चारों को हक कहते हैं। बाकी अजर के एतबार से एक हक है दूसरों को कता तो है लेकिन अजर उनका मकबूल है इंदल्ला। गैर मुकल जो रफाई दर करते हैं गैर मुकलों की रफाई दर किसी दलील से साबित नहीं क्योंकि यहां आदिश मुतारज है ना। अब यहां रफा तार्ज अल्लाह के नबी ने फरमाया है जैसे फरमाया था कि पहले मैं कब्रों की इजाजत से मना कर अब इजाजत देता हूं ऐसा कि इरशाद हो कि पहले मैं रफा जर करता था अब नहीं करता या पहले नहीं करता था अब करता हूं कोई हदीस है या यूं हो कि रफा जर करने की सही है ना कर ये जही है कोई ऐसी बात है। अल्लाह के नबी पाक का यहां कोई फैसला नहीं है इसलिए इस मसले में अपने आप को अहले हदीस कहना अल्लाह के नबी पर झूठ बोलना है। अल्लाह के लिए झूठ बोलना गुनाह होता है या सवाब होता है। गैर मुकल्लद ये झूठ बोलता है अपने आप को अहले हदीस कहकर शाफी ये झूठ नहीं बोलता वो कहता है कि इस रफा तार्द मेरे इमाम ने कायदे से किया है ये इंतखाब मुझे इमाम ने करके दिया है नबी ने करके नहीं दिया। तो इसलिए शाफी जो रफा जर करता है उसके पास चौथी दलील है कुरान ने इस तार को रफा नहीं किया हदीस ने इजमा ने भी नहीं किया क्योंकि इतना भी मसला है अपना इमाम शाफी का इतिहाद है ना।
हनफी ने अगर दूसरे हदीस को इंतखाब किया है, उसके पास भी कुरान नहीं, सुन्नत नहीं, इजमा नहीं, अपने इमाम का इज्तिहाद। तो इसलिए इज्तिहाद हमारे यहां चौथी दलील है, जितने मुतमईन उतने मुलजमा नहीं है। अब गैर मुकल्लद ने एक हदीस को छोड़ा दूसरी को लिया, इसके पास क्या चीज है? क्या अल्लाह ने कहा था उसे, रसूल से कहा था, इजमा ने कहा था? वो मुइतहिद है, वो मुइतहिद भी नहीं है। तो उसकी रफा जड़ के पीछे से चौथी दलील भी नहीं है ना, इसलिए कोई अथॉरिटी उसकी। जैसे कोई चुमार डॉक्टर की दुकान में जाए और मरीज को शीशी उठा के दे, अब इत्तेफाकन वो दवा उसी बीमारी की निकल आए, तो ये गुनहगार है या नहीं, मुजरम कानूनी है या नहीं? तो ये तो चुमार है ना बेचारे, इनको डॉक्टरी करने का क्या हक है? अब देखिए डॉक्टर टीका लगाता है ना, लेकिन अगर एक शेखुल हदीस साहब डॉक्टर ने टीका लगा दे तो वो कानूनी जुर्म है या नहीं जी? कानूनी जुर्म है या नहीं? अब वो ये कहे कि जी वो डॉक्टर लगा रहे हैं हजारों और मुझे क्यों मना कर रहे हो, तो यही कहा जाएगा उनके पास अथॉरिटी है, आपके पास अथॉरिटी? ये ड्राइवर बसें चला रहे हैं, एक शेखुल हदीस साहब के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, या जज हाईकोर्ट का ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, वो गाड़ी ले जा रहा है, इंसान तो खुजा कोई दरख्त की टहनी भी नहीं टूटी, लेकिन कानूनी तौर पर मुजरिम है या नहीं? असल बात यही है कि यही बात आपके जेब से नहीं निकल रही, गैर बगल तो अपने आप को दबी समझता है और आप उसको इमाम शाफी समझती। वो रियायत देना चाहते थे इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह को मिलती है, वो तो ना दबी है ना इमाम शाफी, तो चूड़ा चमा रहा है, उसकी कोई हैसियत थी? अब ये सारे इसी जेब से चुनके लिखे जा रहे हैं कि वो है हर गैर मुकल्लद इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह, इमाम शाफी मुइतहिद है, ये दायल है। इजा गुस्से दल अमर इला गैर या नहीं फन तदरिशा, इसने तो दीन पर क्यामत तोड़ दिया कमबख्त ने आकर, दायल होकर जो टांग अड़ाएगा। मेरे पास वहां एक डॉक्टर आए, इनका क्लिनिक था 13-14 डॉक्टर थे, लंबा फार्मेसी थी उनकी, उनमें एक डॉक्टर गैर मुकल्लद था जिसका नाम था शराफत अली, पता नहीं किसकी गलती से रे की जगह फेर लग गई थी, किसी गलती होगी होगी। अच्छा, अब वो किसी अपने मालवी को ले आता, वो बेफारग होते इसी काम के लिए, बुरे हाँ लड़का पड़ता था तला गंग का, तो एक डॉक्टर तला गंग का था, ये बीमार होता दौरे में था वो लड़का, तो दवाई लेने गया, कहीं देखा कि गैर मुकल्लद मौलवी बैठे हैं और दो आदमी और रफा देनी शुरू कर दी। अब ये कहता है कि मुझे पूरी तैयारी तो थी नहीं, लेकिन मैं खामोश भी नहीं रह सकता था। मैंने कहा क्या लोग एक तरफा बातें सुनते हैं, दूसरी तरफ की क्यों नहीं सुनते? वो डॉक्टर से इतने मुतासर थे कि जी ये तो अपनी बात सुनाता ही नहीं, जब भी सुनाता है अल्लाह के नबी की हदीस सुनाता है, तो वो भी हदीस सुनाएंगे, ठीक है आप लाए कोई हदीस। उसने आकर मेरे शागिर्द से बात की, उसने मुझे कहा, मैंने कहा उसे किताब हदीस राय हदीस दिया हो जाके, वो लेके गया कि जी ये किताब ले लें, ये हदीसे हैं, देख रहे हैं हदीसे तो रख रहे, वरना वापस कर दे। तो देखा कि हदीसे है, कितने की है? 100 रुपए। उसने 500 का नोट दिया कि अपने उस्ताद से पूछकर कुछ और किताबें लेने ला दो ऐसी। अब वो किताब रख के आ गया, वो जो था ना शरारत डॉक्टर, ने फौरन फोन किया अपने बॉडी को कि खैर मुलाजा से किताब आई है। वो आया, आके किताब उठा के पहले रख ली, झूठी है दिशे सारी, झूठी है दिशे सारी। अब उसे ये भी पता चला कि कल को उसने फिर आना है, ये बेचारा किताबें, मैंने कहा दरवाजे मसूद सूफी साहब की मेरा मजबूर रसाल ले आओ, ये किताबें लेके गया, देखा था क्या है कि चार मौली सामान बैठे किताबी गाड़ियां लेके, मैं बड़ा हैरान हुआ। बोले विश्वविद आ गया जी, आ गया जी, आ गया। मैंने सोचा कि ये आकर उनके पक्के मुनाजर हैं, मैं तो अभी तालिबे हूं। अब मेरे लिए बसा बन गया कि अगर मैं भागता हूं यहां से तो ये शोर मचाएंगे,
और उस्ताद जी तो सबको नहीं बैठने देंगे कि तू भाग गया है बस। बात करता हूं तो मेरी तैयारी पूरी है नहीं। आखिर मैंने कहा चलो हिम्मत करिए आज बात करनी है, यार किसी दिन करनी है ना, आज ही शुरू कर देते। वो बुखारी शरीफ खोल के बैठे थे, वो हदीस दिखा देते रफाई जान के। मुझे डॉक्टर बड़े डॉक्टर ने पूछा कि आप ये हदीस नहीं मानते। देखा ये जो आपको दिखा रहे यही नहीं मानते इसको, ये जो दिखाई है यही नहीं मानते। कौन कहता नहीं मानते? मैं कहता नहीं मानते। आप कैसे नहीं मानते? कहा कि ये पहले भाषा मुझे समझाओ, एक सुनत रह जाए तो नमाज पढ़ा पे सुनत होती है या नहीं होती है? तो तुम इनको सुन्नत के मुताबिक नमाज सिखाना चाहते हो खिलाफ सुन्नत, ये सुन्नत के मुताबिक कि ये हदीस तो आपके यहां खराब है सुन्नत नमाज वाली है। शोर कैसे खराब है सुन्नत नमाज वाली? कि तुम गिनो रफा जल कितनी करो, दस जगह कर दो, यहां दो है, एक शब्द भी रह जाए तो नमाज खराब है। तो पता चला कि बुखारी वो हदीसें लाता है जो खराब है सुन्नत नमाज वाली है। अब वो गिरे तो दो बने। अब कहता है कि तुझे कहता है साजी गाड़ियां आपको देते थे कि ये मास्टर की शरारत है, ये गिनती करवाता है। अब कहते हैं वो इस काम में लग गए, इनको बात बदलने का बड़ा तरीका होता है। अब हजरत अब्दुल्ला बिन उमर हजरत के फजाइल बयान शुरू करें कि बड़े बुत में सुन्नत थे, ये था वो था, शुरू हो गया। मैं किताबें लिखने का कौन कौन सी है, मुस्लिम हुमैदी रखी थी मैंने उठा ली। जब वो हजरत अब्दुल्ला बिन उमर के फजाइल बयान करके खामोश हुआ, मैंने कहा आज कम से कम 100 नफल शुक्राने के पढ़ना। क्यों? कि आज यहां हजरत अब्दुल्ला बिन उमर थे नहीं, थे होते क्या बनता? कहते मार मार के पत्थर तुम्हें शिकसार कर देते कि देखो गलत लफ्ज बोल रहा है। ये मक्का में लिखी किताब मुस्लिम हुमैदी कि जो शख्स हर ऊंच नीच पर रफा जैदी करता था अब्दुल्ला बिन उमर उसको पत्थर मारते थे। अब हर ऊंच नीच पर करें तो रफा जैद 4 रकत में 28 बनती है और तुम करते हो 10, तो हर 4 रकत में तुम 18 पत्थरों के हकदार हो। वो एक पर पत्थर मारे एक पर हाथ तोड़ दे, दूसरा मारे दूसरा तोड़ देंगे, बाकी आंखें निकाल देंगे आपकी, 4 रकत में किस्सा तुम्हारा हो जाएगा। अब वो बड़े परेशान कि देखो जी ये तर्जमा गलत कर, अब वो थोड़ा बार बैठे तर्जमा गलत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब तर्जमा मैं भी लिख देता हूं, इनसे भी लिखवा दो किसी पर से पूछो जाके। लेकिन ये संसार किसका तर्जमा कर रहा है कि हासा बहु का स्वाद के साथ है? कहा जी तर्जमा गलत है। उसका सही क्या है कि ये कहता है संसार, इसका सही तर्जमा है पत्थर मारना। तो डॉक्टर हंस पड़े कि फिर वही हुआ और क्या हुआ। अब वो बड़े परेशान हुए, किताबें बांधने लगे। अब डॉक्टरों के जहन में बात आई कि ये 4 मुनाजर थे इनके बड़े और ये शागिर्द है कोई, और ये अब भागने लगे किताबें लेके। तो उन्होंने कहा कि आप अपने उस्ताद साहब को लाएंगे हिजन हमारे यहां, कि हमारे उस्ताद के पास वक्त नहीं होता दुकानों पर करने का। इन्होंने सिर्फ हर्जियों के खिलाफ काम करना है। वो हमें 2 महीने पहले ईसाइत पढ़ाते हैं, फिर बेजाइद के खिलाफ पढ़ाते हैं, फिर राजगीर के खिलाफ पढ़ाते हैं, जितने भी फितने हैं सबके खिलाफ पढ़ाते हैं। और इनको सवाई मामा को रिफा के पीछे पाने के प्रोग्राम भी नहीं कि नहीं आप वक्त मांगिए उससे। कहते वक्त मांगेंगे अगर मिल गया तो। अब वो मुझे वक्त मांगे, मेरे पास वक्त था नहीं। 3 महीने हो गए, 3 महीनों के बाद वो कह लगे कि आप बिन एक आधा वक्त दे दे, जो वक्त दे हम आएंगे। मेरे खातिर ये है कि वो 2 घंटे में वक्त दूंगा, 1 घंटा मैं पहले अपनी बात सुनाऊंगा ताकि मुझे पता चले कि 1 घंटा मैंने सही काम पर लगा लिया है, फिर अगले घंटे वो सवाल पूछे जो पूछ लू। मुझे फूल पर कहा कि उस्ताद जी ये कहते हैं कि जी हमें 2 घंटे सुना दी अपनी बात, आप नहीं करेंगे पहली दफा मुलाकात तो करें, पता देखें उस्ताद है कौन सा, ये तो बगैर बुलाए रोज आ जाते और वो बुलाने पर भी नहीं आता। खैर वो जनाब 13-14 आ गए, अलैक्स अलैक मुझे पता तो उन्होंने आना है। डॉक्टर साहब आजकल क्या हो रहा है? ये दीन की तहकीक हो रही है। तरीका दीन की तहकीक का ये तरीका तो नहीं है जो आपने रखा है? क्या तरीका है? मुझे कहा आप 14 साल छुट्टी करके यहां आ जाए, मदरसे में दाखिल हो जाए और वहां चुमारों को बैठाया दुष्कर लिखने के लिए। किन को बैठाया? मैंने फिर चुमारों को,
वो क्या करेंगे? मैंने कहा उतना कुछ ही करेंगे दादी साहब जितना आप धीर के साथ कर रहे हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं करेंगे। मैंने कहा वो थे पढ़े लिखे से बात समझ गए। फिर मेरे यार रूप तारीफ में रखी थी, मैंने कही इमाम गजाली आज से 1000 साल पहले के हैं, ये ना मेरी तरफ की बात करेंगे ना आपकी। पढ़ो लिखो क्या लिखते हैं, पढ़ो क्या लिखा है। लिखा है कि जिस आदमी को दीन की पूरी महारत न हो, वो दीन में तहकीक के नाम से टांग हटाए और फतवे दे, तो उससे जादी 1000 दर्जा बेहतर है। क्योंकि जादी सिर्फ अपनी आप में बर्बाद कर रहा है और ये कईयों का ही मगर बर्बाद करेगा। डॉक्टर साहब जिसका नाम आपने तहकीक रखा है वो ये है, इतना बड़ा गुनाह है। फिर मैंने मिजानी कुबरा शरानी रखी दो करने वाली, मुफ्ती साहब ने जो जिस पर मुकदमा लिखा था, मुफ्ती वली साहब रहमतुल्लाह अलैह, वो मैंने निकाला। अलामा शरानी देखते हैं कि अगर कोई शख्स दीन में माहिर ना हो और फतवा देना या दीन की मिसाल पर बहस शुरू कर दे, हुकूमत इस्लामी का फर्ज है कि बावले कुत्ते को बाद में कतर करे, उसको पहले कतर करे। क्योंकि बावला कुत्ता इंसान के जिस्म का दुश्मन है, जान का दुश्मन है, ये ईमान का दुश्मन है। मेरे डॉक्टर साहब ये है जिसको आप तहकीक करते हैं। फिर मैंने कहा हदीसे बुखारी मुस्लिम की सुनाई कि हजरत जब बैत लेते थे उसमें एक बकायदा शर्त होती थी, अल्लाह नाज अलमर आहल हो, कि कोई नाहल अहल के साथ मुनाजे तक झगड़ा नहीं करेगा। अब अगर परवेज ऐसा आदमी इमाम बुखारी से मुनाजत करता है तो ये भी कहते गलत करता है, ये फर्द का नहीं। लेकिन हर गैर मुकद हक समझा कि वो वही फिर से मुनाजत करे, हालांकि वो अहल है या नाहल है। जिस तरह परवेज वगैरह असलम जराजपुरी बुनकर हरीस ये मुहदसिन से झगड़ते हैं ना, उन्होंने गलत काम किया है। हम यही कहते हैं कि मासूम ना वो थे ना ये है, लेकिन यहां पर मासूम गैर मासूम का नहीं, अहल और नाहल का है। नाहल जो मुनाजत करता है वो कतन हराम है, हजरत मना फरमाते थे, बैठे थे इस बात पर। और इजा गुस्से गरम और इलाका अली फन तदरीसा बुखारी मुस्लिम की हदीस है कि किसी नाहल को कहा जाए कि किसी काम में दखल दो, फिर कहा उनसे मैंने कहा आप ही कहें कि कल से भी हम नुस्खा नहीं लिखेंगे, कुम्हार नुस्खा लिखा करेंगे। तो मैंने कहा आपकी दादी पर क्यामत आ जाएगी या नहीं? कहते बिल्कुल आ जाएगी। तो मैंने कहा इसी तरह आप क्यामत डाल रहे हैं दीन पर, ये बहुत बड़ा गुनाह है जो आप कर रहे हैं कि जी तहकीक नहीं करनी चाहिए। मैंने कहा मैं वही तो कह रहा हूं कि तहकीक दाठी के कुम्हार को करनी चाहिए, चुम्हार को करनी चाहिए, कहते डॉक्टर को करनी चाहिए। मैंने तो कुरान ने तहकीक का हक दिया है, हुक्म दिया है, जाकुम फासिकुन फासिकुन बेदबेट का तबैय, तो देखो फासिक कोई खबर लाए तो उसकी तहकीक करने का हक है। एक दफा मेरे गार वो इस रियाद पर ही गार कर दे, क्योंकि आपके दिख सिर्फ फोका हाई फासिक ही और उनको फासिक है, इनके पीछे लगे हुए हैं। तो यहां तो फासिक की बात की तहकीक का हक है ना, तो मुझे कहता और फासिक कौन होते मेरे गार मुकदम, तो पक्के फासिक है ना। फिसक का क्या माना है? कोई याद नहीं किसी को? जी जी आप असल में 2-4 बोलते हैं ना, मुझे सुनता नहीं। फासिक अरबी में कहते हैं जानवर के गले में रस्सी डाल के बांध दिया जाता है ना, ताकि किसी की फसल खराब करेगा लड़ाई होगी, किसी के बच्चे को मारेगा लड़ाई, जब जानवर रस्सी दबा के भाग जाए कहते हैं फासक, ये फासक हो गया। इस तरह जो आईमा की तकलीफ से निकल भागे उसको फासिक कहते हैं, पक्का फासिक होता है। इसलिए गैर मुकल्लद की हर बात जो है वो फासिक की बात है, उसकी तहकीक जरूर करनी चाहिए। तो अल्लाह ने तहकीक का हक हुक्म तो दिया है, लेकिन तहकीक का हक जिस तरह डॉक्टरी में डॉक्टर को है, कानून में कानूनदान को है, तहकीक का हक सिर्फ 2 शख्सियों का है, वला रुदुल रसूल अला उले लमरे बिनहु लालिम वल्लजीन यस्तंबितूनहु मिन, क्योंकि मिसाल की 2 ही किस्में हैं, मरसूस और मुतन की। मरसूस की तहकीक रसूल से मिलेगी और मुतन की मुतन से, तीसरे को तहकीक का हक ही नहीं।
इसलिए आप इर की तकरीर करें और मुहक्कीर की इत्तेबा कर तकरीर से आप तहकीक पर चल सकते हैं। इसके अलावा आपके यहाँ कोई चाराकार नहीं। ये रख ली भी बाकी फिर जोर के बाद से वाकिर दावा रब्बिल आलमीन अस्तगफिर।